कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी जी ब्लॉग पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, ये देखिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे कुआं का सब सफाई होने वाला है। उससे पहले हम लोग पानी भर रहे हैं, देखिए आपको दिखा रही हूँ। तो कुआं का सफाई करने से पहले कुआं का पानी को हटवा रहे हैं, उससे पहले पानी भर रहे हैं बर्तन में, ताकि कुआं का सफाई हो तो हमें पानी का दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि अभी फ़िलहाल में हम लोग कुएँ का पानी ही पीते हैं और कुआँ का साफ़ सफाई आज हो रहा है। उसमें बहुत सारा कचड़ा भर गया था, उसी का आज साफ सफाई हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ हम लोग का कुआँ। देखिए रस्सी से बांध रहे हैं बाल्टी को, इसको नीचे डालेंगे, इसी से सफाई करेंगे। देखिए कुएं के अंदर कितना सारा कुछ कुछ का पौधा उग गया है, घास। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा कितना नीचे है। और ये बांस लगा हुआ है, इसी के थ्रू नीचे उतरेंगे। चलो माटी
बीच का पानी नहीं है निकाले ना कांदा माटी सर ये बीमार की माटी लक्ष्मणपुर से एक झार करो हराम सक झार कहे तो सर हटो कहे साकर कहे कि दादा पुखा तो बांध कहे तो बोन खड़ जाम के नहीं जी कुआं जी की बदमाशी नहीं करा कि हमारे कुएं का साफ सफाई हो गया है। एक मिनट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कितना अच्छी तरीके से साफ हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा घास उगाया था क्योंकि पिछले साल सफाई हुआ था और इसके बाद में अभी नहीं सफाई हुआ था। अभी बरसात भी आने वाली है तो बरसात में और भी ज़्यादा घास उग जाता। इसी वजह से हम लोग कुएं का साफ सफाई किए और जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं वहाँ का तो साफ सफाई होना ही चाहिए, नहीं तो कैट बीमारी होने लगते हैं। सो फ्रेंड ये देखिए कितना अच्छा से सफाई हो गया है और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कितना सारा कीचड़ मिट्टी निकला है। ये देखिए मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इन तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।